नमस्कार दोस्तों, हमारी यूट्यूब चैनल सीखी.com पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से महिला समान बचत पत्र योजना की जानकारी आपके साथ शेयर करूंगी। दोस्तों, मैं वर्ष 2023-24 के बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा महिला सम्मान बचत पत्र योजना की घोषणा की गई थी और इस योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2023 से की जा चुकी है और इस योजना को 2 वर्षों के लिए जारी किया गया है। 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2025 तक और यानी इस योजना का लाभ जो है 2025 तक ही उठाया जा सकता है और इस योजना में न्यूनतम 1,000 से और अधिकतम 2 लाख रुपए से निवेश किया जा सकता है और इस योजना में जमा राशि पर तिमाही में ब्याज दिया जाएगा जोड़ा जाएगा और ब्याज जो है वार्षिक ब्याज जो है 7.5% की दर से प्राप्त होगी जो कि किसी भी बैंक बचत योजना से ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा इस योजना के तहत ब्याज मिले प्राप्त होगा और इस योजना को डाक विभाग के जरिए जारी किया गया है। इसके बाद जो है अब इस योजना के तहत सभी सरकारी बैंकों में बैंक खाता खुलवाया जा सकता है बचत खाता और इसके अतिरिक्त निजी बैंकों में ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC और IDBI बैंक में भी महिला सम्मान बचत पत्र खाता खुलवाया जा सकता है और इस योजना की मैच्योरिटी जो है अवधि 2 वर्ष है यानी 2025 में, यदि 2023 से खुलवाते हैं तो 2025 में इसकी मैच्योरिटी हो जाएगी। आप पूरा पैसा आपको ब्याज के सहित मिल जाएगा, प्राप्त कर सकते हैं और यदि समय से पहले आपको पैसे की आवश्यकता होती है, किसी खाताधारक की मौत हो जाती है या किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो जाता है तो आपको खाता खोलने की 6 महीना पूरा होने के बाद है आप खाता बंद करवा सकते हैं और इसके जो है किंतु जो है खाता बंद करवाने की स्थिति में समय से पहले यदि खाता बंद करवाते हैं तो जमा राशि पर 2.2% कम ब्याज प्राप्त होगा अर्थात 5.5% की ब्याज के सहित आपकी जमा राशि आपको प्राप्त हो जाएगी और यदि 1 वर्ष के बाद जो है आप इसमें बैंक खाते से राशि निकालना चाहते हैं अपने महिला सम्मान बचत खाते से तो आपको जो है जमा की गई राशि और 40% आप जमा राशि निकाल सकते हैं और इस योजना में केवल महिलाएं और नाबालिग बालिकाएं इसका लाभ उठा सकती हैं और योजना के तहत बैंक महिला सम्मान बचत पत्र लेने के लिए आपको निवेश करने के लिए आधार कार्ड की आवश्यकता होगी और यदि 50,000 रुपये से अधिक धनराशि जमा करते हैं तो पैन कार्ड की भी आवश्यकता होगी और आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फ़ोटो की आपको जो है आवश्यकता होगी और इस योजना में के तहत खाता खुलवाने के लिए अपने निकट के डाकघर, सरकारी किसी भी सरकारी बैंक या फिर महिला सम्मान बचत पत्र जारी करने वाले निजी बैंक में जाना होगा और बैंक आवेदन फॉर्म भरकर डॉक्यूमेंट संलग्न करने के बाद जो है बैंक कर्मचारी के पास जमा करके आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। हमारे यूट्यूब चैनल सीखे.com को सब्सक्राइब कीजिए ताकि लेटेस्ट योजनाओं की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँच सके।